गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दें बेटा, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इस पूरे चैप्टर में आगे तक जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक ये कंसेप्ट आपके काम में आने वाला है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, क्या कंसेप्ट है आपके पास। चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है उस बात को समझो। इससे पहले हम एक छोटी सी नॉलेज जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि यदि किसी चालक तार में कोई धारा आई प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात हम बोल सकते हैं धारा क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। ये हमारा पहले का नॉलेज है जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की करी आपके पास, फिर ये सोचा जाने लगा क्या चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से फिर से धारा को उत्पन्न किया जा सकता है क्या। तो कुछ प्रयोग किए दो साइंटिस्ट थे, एक तो फैराडे और दूसरे हेनरी। दोनों अलग अलग जगहों से लिंक करते थे और दोनों ने अलग अलग समय के ऊपर कुछ प्रयोग किए, परंतु उनका परिमाण उनको समान प्राप्त हुआ। तो आगे जो मैं प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ वो फैराडे का प्रयोग भी है और साथ ही साथ हेनरी का प्रयोग भी है, क्योंकि दोनों के प्रयोग में कंसेप्ट सेम लगता है आपके पास। कंसेप्ट ये है कि दोनों के प्रयोग से ये पता लगा कि चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से फिर से क्या बनाई जा सकती है बेटा, विद्युत धारा बनाई जा सकती है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अर्थात जब भी मैं बोलूं विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप लोग चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से क्या बना रहे होंगे बेटा, विद्युत धारा का उत्पन्न कर रहे होंगे। अब कैसे उत्पन्न करते हैं वो हमें जानना है आपके पास। अब देखो, इस प्रक्रिया का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार करते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके घर में जो विद्युत आ रही है वो आ रही है विद्युत जनरेटर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से आ रही है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। वहाँ पर भी एक बहुत आपके पास स्ट्रॉन्ग या बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है और उसके अंदर किसी कुंडली को घुमाया जाता है, और जब कोई चुंबकीय क्षेत्र को कोई कुंडली काटती है या उसके क्षेत्र में घूमती है तो उस कुंडली के अंदर एक धारा उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रेरण धारा, और वही धारा हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो जो विद्युत जनरेटर होते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं बेटा, आपके पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल घरों के अंदर इंडक्शन स्टोव काम में लिए जाते हैं, मतलब कि इंडक्शन स्टोव, जो आप लाइट से जो स्टोव चलाते हैं ना, स्टोव ही बोलते हैं उसको, जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं लाइट वाले, आपके पास उनको प्रेरण चूल्हे बोले जाते हैं हिंदी के अंदर। तो ये प्रेरण चूल्हा आपके पास है, ये भी किसके सिद्धांत पर काम करता है बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि जहाँ पर म्यूजिक कॉन्स्टेंट आपके पास चलते हैं, मतलब कि म्यूजिक जहाँ बनाया जाता है वहाँ पे जो गिटार वो लोग काम में लेते हैं वो भी आपके पास इसी के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जहाँ पे हम लोग किसको काम में लेते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को काम में लिया जाता है। अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है वो हमें समझना है। इसके लिए फैराडे व हेनरी ने अलग अलग प्रयोग किए, और वो प्रयोग क्या थे वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, फैराडे के प्रयोगों की बात करता हूँ। फैराडे प्रयोग आपके पास, ध्यान दो, केवल इन प्रयोग का फिगर आपको पता होना चाहिए। इनकी थ्योरी नहीं पूछी जाती कि ये कैसे काम करता है, बट ये कार्य कैसे कर रहा है ये प्रक्रिया आपके दिमाग में हमेशा सेट होनी चाहिए। फैराडे ने क्या किया, इन्होंने क्या किया बेटा, एक कुंडली बनाई, कुंडली बनाई, और कुंडली को किससे जोड़ दिया बेटा, गैल्वेनोमीटर से। ये गैल्वेनोमीटर है, ये तो सबको ही पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा का विक्षेप देता है। धारा का क्या देता है बेटा, विक्षेप। अर्थात अगर इस परिपथ में एक अति सूक्ष्म धारा, मतलब लगभग मिली एम्पियर तक की धारा भी अगर प्रवाहित होगी तो उसकी स्थिति
या वो धारा इस परिपथ में है कि नहीं है, इसकी बात की पुष्टि कौन कर देगा बेटा? गैल्वेनोमीटर आपके पास कर देगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा? धारा की उपस्थिति हमें बताता है। सर जी ये तो एक कुंडली और एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे बैटरी जैसी कोई चीज तो है ही नहीं, तो धारा कहाँ से आएगी? अब बेटा यहाँ से जो धारा बनाई जाती है वो कैसे आती है उस पर ध्यान दीजिए। आपके पास हमने क्या किया बेटा, एक छड़ चुंबक ली, ये नॉर्थ और ये क्या बेटा साउथ। मैं केस ऐसा बना रहा हूं कि प्रारंभ में ये जो कुंडली वाला परिपथ है ये स्थिर अवस्था में है, अर्थात रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो इस कुंडली का वेग कितना होगा? जीरो। अब आपको सबको पता है कि जो छड़ चुंबक होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र है इसका, ठीक है। नॉर्थ से तो चुंबकीय बल रेखा है बाहर की ओर निकलती है और साउथ में क्या करती है बेटा एंटर करती है, ये इसका क्या है बेटा चुंबकीय क्षेत्र। समझाने के लिए मैं डस्टर यूज में ले लेता हूं। तो सर जी ये रहा मेरा छड़ चुंबक, ठीक है, और ये इसका क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। आपको पता है कि यहां पर इस जगह पे कितनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं? एक और दो। परंतु इस जगह की अगर बात करूं तो कितनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं? एक दो तीन चार पांच छह, टोटल छह आपके पास निकली, तीन ऊपर और तीन नीचे। तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे आप इस चुंबक की ओर आते जाओगे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ता जाएगा। अब क्या कर रहे हैं बेटा, ये छड़ चुंबक यहां रखी है, अभी क्या है कि इसका जो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारी कुंडली के साथ मिल नहीं रहा है आपके पास, ठीक है। देखो इस छड़ चुंबक का कोई भी चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु यदि मैं इस छड़ चुंबक को इसके समीप ले जाऊं, अर्थात इस स्थिति पे ले जाऊं, तो अब चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसे बनेगी, डैश डैश वाली जो है वो द्वितीय स्थिति की आपके पास है, ठीक है, बात समझ में आती। अर्थात कुछ चुंबकीय बल रेखाएं हमारी कुंडली के साथ जुड़ जाती है या इसको स्पर्श कर जाती है। जैसे ही कुछ बल रेखा इसके स्पर्श करती है, हमने देखा इस कुंडली में कुछ धारा प्रवाहित होती है और जो पहले गैल्वेनोमीटर की सुई सीधी थी अब कुछ इस प्रकार से प्रवाह दिखाएगी आपके पास। उसके बाद क्या किया, इसी छड़ चुंबक को और समीप लाओगे, जब और समीप लाएंगे तो अगली स्थिति कुछ ऐसी बनेगी। इसके लिए मैं ये बना देता हूं फिगर, ये गैल्वेनोमीटर, और मान लेते हैं ये छड़ चुंबक यहां आ गई, तो अब चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसे होगी, अर्थात यहां पर कम चुंबकीय बल रेखाएं इसको स्पर्श कर रही थी, यहां पर जब ये इसके और समीप आ जाएगा तो ज्यादा चुंबकीय बल रेखा स्पर्श करेगी, अर्थात हम बोलेंगे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं हमारी कुंडली के अंदर से गुजरेगी। जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखा इस कुंडली के अंदर से गुजरती है, हमने देखा इसमें बहने वाली धारा का विक्षेप उतना ही ज्यादा आता है। तो एक बात हमें यहां से पता लगी, कौन सी बात पता लगी, कि जब छड़ चुंबक या बोले चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के अंदर से गुजरता है तो इस परिपथ में क्या बहती है बेटा धारा, क्या बहती है धारा। परंतु इसके साथ हमने एक चीज और देखी, जब आपके पास छड़ चुंबक दूर थी तो कम बल रेखा इसके अंदर से गुजरेगी। अरे सही बात है, जब छड़ चुंबक से क्या होगी दूर होगी तो कम बल रेखा इससे गुजरेगी, तो धारा का मान भी कैसा आ रहा था कम, जब यहां रखा तो थोड़ी ज्यादा बल रेखा गुजरी धारा भी ज्यादा, जब और पास रखा तो अधिकतम बल रेखा इस कुंडली के अंदर से गुजरने लगी, तो हम बोलेंगे धारा का मान भी क्या हो गया बेटा और ज्यादा। फिर हमने सोचा ऐसा करते हैं इसको इस कुंडली के अंदर ही रख देते हैं, मतलब इस प्रकार से तो अधिकतम गुजरेगा, तो अब इसके अंदर धारा का मान भी कैसा आएगा अधिकतम, और हम इसको रख के भूल गए। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने इसकी गति को रोका, देखो अभी तक पहले ये यहां रखा हुआ था, अब धीरे धीरे हम इसके समीप लेके आ रहे थे, जब इसके समीप आ रहे थे तो इसके अंदर से गुजरने वाली बल रेखा है जो थी उनका मान भी बढ़ रहा था तो धारा भी बढ़ रही थी।
फिर हम इसके अंदर आकर रुक गए, हमारा वेग कितना हो गया? शून्य। जैसे ही रुके हमने देखा इसमें धारा का मान भी कितना हो गया? जीरो। अर्थात ये बात हमें पता लगी, केवल इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके स्पर्श करने से धारा नहीं बनती। इस कुंडली के अंदर यदि ये चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है तो इसके अंदर क्या बनती है? धारा। मैंने जो बात बोली इस पर ध्यान देना, यदि कुंडली के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है तो कुंडली के अंदर क्या बहती रहती है बेटा? धारा। देखो जब इस स्थिति पे था तो कम रेखाएं इसको स्पर्श कर रही थी, जब यहां लाए थोड़ी ज्यादा करेगी, अंदर लाए थोड़ी ज्यादा करेगी। तो जब जब ये गति कर रहा था तो इसके सापेक्ष चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदल रही थी तो धारा भी बह रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर रख दिया और इसको स्थिर कर दिया, इसके अंदर रखते हुए इसको क्या कर दिया बेटा? स्थिर कर दिया। तो अब इसके सापेक्ष जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नियत हो गया। भाई यहाँ पे 10 काट रहा था, यहाँ पे 12 चुंबकीय बल रेखाएं काटेगी, और अब जब ये इसके अंदर रहेगा तो हर बार इसके अंदर से 12 चुंबकीय बल रेखा ही गुजरेगी आपके पास। तो हमने क्या बोला, इसके सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? नियत हो गया। देखा धारा का मान भी कितना हो गया? शून्य। तो हमने क्या देखा, हमारे पास क्या है बेटा? एक कुंडली है। ये क्या है कि कुंडली, कुंडली के सापेक्ष, कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? परिवर्तित। अब ये परिवर्तित दो तरीके से हो सकता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है तब भी परिवर्तन होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो, कमी हो, तब भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो कुंडली में क्या बहती है बेटा? धारा का प्रवाह होता है, और ये प्रवाहित धारा क्या कहलाती है बेटा? प्रेरण धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरण धारा। अब देखो धारा यहां बह रही है, अगर धारा बहेगी तो जरूर यहां पर कोई बैटरी जैसा एलिमेंट भी बन रहा होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन होगा जरूर। अरे जब तक बैटरी जैसी कोई चीज नहीं होगी धारा थोड़ी आ जाएगी। तो हमने बोला यहां पर आपके पास एक प्रेरित बैटरी बनती है जिसको बोला जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें विद्युत वाहक बल हम पहले भी बता चुके हैं, वोल्टेज की तरह काम करता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब इस कुंडली के सापेक्ष इसका चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसके अंदर एक धारा बहेगी। ये धारा क्या कहलाएगी बेटा? प्रेरित धारा कहलाएगी। और ये पूरी संपूर्ण प्रक्रिया या संपूर्ण घटना क्या कहलाती है बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो यहां से हमें एक चीज कंफर्म हो गई। क्या कंफर्म हुई? यदि किसी कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसके अंदर धारा बहेगी, जिसको प्रेरित धारा बोलेंगे, और यह संपूर्ण घटना क्या कहलाएगी बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहे, इसलिए हम इस छड़ चुंबक को इसके समीप लाते हैं, दूर लेके जाते हैं, समीप लाते हैं, दूर लेके जाते हैं। जब तक हम इस प्रकार से गति करते रहेंगे इसके अंदर धारा बनती रहेगी। जैसे ही हम इस गति को रोक देंगे, किसी भी स्थिति पे रोको, इसके अंदर ले जाके रोको, बीच में रोको या दूर ले जाके रोको, जैसे ही रोकोगे इसके सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, तो धारा भी कितनी प्राप्त होती है बेटा? शून्य। ये प्रैक्टिकल किया गया और तब हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब देखो इस फिगर को मैं ढंग से बना देता हूं जो हमें समझना है, जिस लैंग्वेज में बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। ध्यान दे बेटा प्रॉपरली। इससे पहले वाले क्लास के अंदर मैंने एक छोटी सी बात बोली थी। कौन सी बात? कि सर जी अगर ये एक कुंडली है और इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा बेटा? फ्लक्स, जिसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना था बेटा? बी ए
कॉस थीटा, चुंबकीय सुरक्षा मान कितना था, बी ए कॉस थीटा। हमने बोला सर ये कुंडली है, ठीक है, इस कुंडली को किससे जोड़ दिया गया, गैल्वेनोमीटर से, और ये क्या रखी गई बेटा, एक छड़ चुंबक, नॉर्थ और साउथ, और ये इसका क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र आपके पास कुछ इस प्रकार से, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये चुंबकीय बल रेखा इस कुंडली के लंबवत गुजरेगी तो यहां क्या उत्पन्न होगा, फ्लक्स। परिभाषा क्या देंगे, यदि किसी कुंडली के सापेक्ष सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम बोलते हैं फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है। सर जी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए, अरे एक बात सोचो, अगर चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी तो बदलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, कोई कुंडली हो जिसके सापेक्ष उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता हो, परिवर्तन होता हो, तो कुंडली के सिरों पर, कुंडली के सिरों पर, कुंडली के सिरों पर प्रेरित, कुंडली के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है, कहा जाता है। यदि परिपथ बंद हो, यदि परिपथ बंद हो, अर्थात ये एक बंद परिपथ है बेटा, देखो यहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसको क्या बोला जाएगा बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला जाएगा। अब हमने बोला कि इसके अंदर अगर ये परिपथ बंद हो तो इसमें क्या बहने लगेगी, एक धारा। यदि परिपथ बंद हो तो एक धारा का प्रवाह होता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, है आपके पास। अब ध्यान दें यहां पे, इसको क्या बोला जाएगा, प्रेरित धारा। और ये संपूर्ण घटना आपने दिखाई, इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जो चैप्टर का नाम था उसको मैंने परिभाषित कर दिया, और यहाँ पे साथ में दो चीजों की परिभाषा और दी मैंने, एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा। अब फैराडे का ये जो प्रयोग था, ये इन्होंने तीन अलग अलग तरीकों से किया, परंतु तीनों ही तरीकों में जो परिमाण था वो समान हुआ। पहला तरीका क्या था, इन्होंने एक कुंडली ली, उसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और एक क्या ली, छड़ चुंबक। उन्होंने छड़ चुंबक को कुंडली के सापेक्ष गति करा के देखा तो उनको ये घटनाक्रम प्राप्त हुआ। अब दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया बेटा, वो देखो फैराडे ने जो दूसरा प्रयोग किया, ये तो पहला था, दूसरा उन्होंने क्या किया बेटा, एक कुंडली ली, ये कुंडली मैं ऐसे बना लेता हूं, ये कुंडली है, और इसके साथ क्या जोड़ दिया बेटा, गैल्वेनोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर ये एक दूसरी कुंडली ली इन्होंने, और इस कुंडली के साथ एक कुंजी जोड़ दी, स्विच, और एक जोड़ दी क्या बेटा, बैटरी, ठीक है। आपको पता है जैसे ही ये कुंजी को हम लोग बंद करेंगे इसमें क्या बहेगी, धारा। और आपको पता है कि अगर इस कुंडली में धारा बहेगी तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं कि जैसी बैटरी बंद करते हैं परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा बहती है, तो क्या इसको जस्ट ऑन करते ही 10 एम्पीयर की धारा आ जाएगी क्या, आपका आंसर होगा नहीं। उदाहरण देता हूं, आप पंखा चलाते ही पंखा अपनी स्पीड प्राप्त कर लेता है क्या, नहीं, पहले उसकी स्पीड आती है
100 रोटेशन 1 मिनट में, फिर आती है 200 रोटेशन 1 मिनट में, फिर आती है 500 रोटेशन 1 मिनट में, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। इसी प्रकार से हाँ, समय भले ही कम ले परंतु ये 10 एम्पियर सीधा प्राप्त नहीं होगा, ये 0 से 10 एम्पियर आने में कुछ क्या लेगा, समय लेगा। ठीक है, अर्थात जैसे आप पूंजी बंद करोगे पहले 2 एम्पियर आएगा, थोड़े से समय बाद 5 एम्पियर, फिर थोड़े समय बाद 7 एम्पियर, और फिर 10 एम्पियर, और उसके बाद एक नियत धारा हो जाती है कि अधिकतम कितनी बन सकती है यहाँ पे बेटा, 10 एम्पियर की धारा बन सकती है। अब यहाँ ध्यान दो, ये एक तरीके की क्या है बेटा, परिनालिका, और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट एन आई। एक चीज बताओ, यदि ये धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या होगी, वृद्धि। जैसे ये कुंडली आपने बनाई है, जब इस परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा होगी तो केवल 2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, जब इस परिपथ के अंदर 5 एम्पीयर की धारा होगी तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब इस परिपथ के अंदर 10 एम्पीयर की धारा होगी तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र तो इस द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, परंतु ये किसको लिंक कर रहा है, किसको स्पर्श कर रहा है, प्रथम कुंडली को। तो हमने बोला इस प्रथम कुंडली के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है, कौन बेटा, चुंबकीय फ्लक्स है, उसके मान में क्या होगा, परिवर्तन। ऑब्वियसली बात भाई, जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, सर चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, अगर ये बी बदलेगा तो फ्लक्स भी तो बदलेगा। देखो बदलाव इसमें हो रहा है परंतु स्पर्श इसको भी कर रहा है, इसलिए प्रथम कुंडली के, ये कौन सी कुंडली है बेटा, प्रथम कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। जब इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा तो इसके अंदर धारा बहेगी, जिसको क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा, और ये संपूर्ण घटनाक्रम क्या कहलाता है बेटा, आपके पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अब अगली बात समझो, ये तो उनका दूसरा प्रयोग था, अब ये प्रयोग में ये घटना हमें तब तक देखने को मिलती है जब या तो आप कुंडली द्वितीय जो आपके पास परिपथ है, ये द्वितीय परिपथ है, इसमें ये जो कुंजी है, स्विच है, इसको एक बार जब आप ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद कुछ समय तक हमें ये घटना देखने को मिलती है, फिर जैसे ही इसमें 10 एम्पीयर की धारा नियत हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र फिक्स हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र फिक्स होगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी फिक्स हो जाएगा, मतलब एक कांस्टेंट मान आ जाएगा, जब इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो ये घटना भी नहीं होगी। परंतु जब वापिस हम कुंडली को ऑफ करते हैं तो धारा एकदम से जीरो नहीं होगी, पहले 10 रही थी, फिर 7, फिर 5, फिर 2, फिर 0, तो धीरे धीरे धारा के मान में कमी होगी, तो यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होगी, चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी हो रही है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा बहती है। अर्थात इस जो एक्सपेरिमेंट था, इसके अंदर आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा, या बोले विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना तब तब दिखाई देती है जब जब आप कुंडली को ऑन और ऑफ करते हो, ये जो कुंजी है, स्विच है, इसको जब आप ऑन और ऑफ करते हो तो उस अवस्था में आपको ये प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। अब जो तीसरा प्रयोग इन्होंने किया वो ये था, इन्होंने क्या किया बेटा कि ये घटना इनको लगातार देखनी थी, ये घटना लगातार देखने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये जो डीसी सोर्स लगाया था, डिस्ट धारा का इन्होंने सोर्स लगाया था। ध्यान दे, धाराएं दो प्रकार की होती है, एक तो डिस्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम बोलते हैं बेटा एसी करंट, अल्टरनेट करंट, और आपके घरों में जो धारा अभी आ रही है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा, और बैटरी जो धारा बनाती है वो होती है बेटा आपके पास डिस्ट धारा। अब इन्होंने क्या किया बेटा, एक प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत ले लिया। प्रत्यावर्ती धारा बेटा कुछ इस प्रकार से होती है, ये इसका धारा का अक्ष है और ये समय का। अब देखो, समय तो लगातार बढ़ता है, समय तो लगातार बढ़ता है, परंतु प्रत्यावर्ती धारा में इस समय पे धारा शून्य थी, समय बढ़ा धारा का मान भी बढ़ता है, समय बढ़ा धारा वापिस जीरो हो गई,
समय बढ़ा, धारा नेगेटिव में बढ़ी है और समय बढ़ा, धारा फिर से क्या हो गई? जीरो। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा वो धारा जिसका समय के साथ परिमाण व दिशा, परिमाण देखो पहले बढ़ता हुआ फिर घटता हुआ, फिर ऋणात्मक रूप से बढ़ता हुआ फिर ऋणात्मक रूप से घटता हुआ। तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा दे रहा हूं, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसमें परिमाण पहले बढ़ता है फिर घटता है और समय के साथ उस परिमाण की दिशा भी परिवर्तित होती है। पहले देखो धनात्मक दिशा में था फिर इसमें आ गया ऋणात्मक, अर्थात यहां जो धारा होगी वो परिवर्तित धारा होगी। कौन सी बेटा? परिवर्तित धारा आपके पास प्राप्त होती है, ठीक है। तो ऐसी धारा को क्या बोलते हैं बेटा? प्रत्यावर्ती धारा। अब हमने क्या किया? प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगा दिया। तो यहाँ पे जो ये धारा बहेगी ये समय के साथ लगातार बदलेगी। अब आपको पता है कुंडली में धारा बह रही है तो कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना? बी। बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यदि आई समय के साथ बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी समय के साथ बदलेगा, अर्थात यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो समय के साथ कभी बढ़ता है कभी कम होता है। ऐसा किसकी वजह से हो रहा है बेटा? इस प्रत्यावर्ती धारा की वजह से। अब चुंबकीय क्षेत्र तो इस द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हुआ लेकिन परिवर्तन किसमें हो रहा है बेटा? प्रथम के साथ, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र इसको भी क्या करता है? स्पर्श करता है, लिंक करता है। जब इसको लिंक करेगा तो हम क्या बोलेंगे? इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा बेटा? परिवर्तन। और हम कब से कह रहे हैं? यदि किसी कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन। अब ये परिवर्तन कैसे भी करवा सकते हो? यहाँ ये परिवर्तन करवाया था छड़ चुंबक को गति करवा के, यहाँ ये परिवर्तन करवाया था कुंजी को ऑन और ऑफ करके, और यहाँ ये परिवर्तन करा रहे हो प्रत्यावर्ती स्रोत लगा के आपके पास, ठीक है। फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन। तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके कारण एक प्रेरित धारा बहेगी और ये संपूर्ण घटना क्या कहलाएगी बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगी। तो ये तीन प्रयोग फैराडे व हेनरी ने स्वतंत्र रूप से रहते हुए किए और यहाँ पे हमें पता लगा कि हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न कर सकते हैं। और उत्पन्न करने का तरीका क्या होगा कि किसी भी बंद कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होना चाहिए? परिवर्तन। अब ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आप तीन तरीके से कर सकते हो। कितने तरीके से बेटा? तीन तरीके से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर वो तीन तरीके बताता हूं। ध्यान दे बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। इस बात को ध्यान से समझना क्योंकि इस यहां पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के मैं तीन तरीके बताऊंगा और आगे जाके इन्हीं तीन तरीकों से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की गणना करने वाले हैं। तो ये तीन तरीके आपको समझ में आना चाहिए। पहला सर, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो होता है फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। तो सर फ्लक्स तीन चीजों पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर, कुंडली के क्षेत्रफल पर और चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के मध्य बढ़ने वाले कोण थीटा पर। तो अगर बी बदलोगे तो भी फ्लक्स बदलेगा, क्षेत्रफल बदलोगे तब भी फ्लक्स बदलेगा और थीटा कोण बदलोगे तब भी फ्लक्स के मान में क्या होगा बेटा? परिवर्तन होगा। ध्यान दे, सबसे पहले परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र कितना मान लेते हैं बेटा? बी मान लेते हैं। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो समय के साथ बदलता रहता है। सर कैसे? मान लेते हैं यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका समीकरण है 5t² + 3। चुंबकीय क्षेत्र का समय के सापेक्ष समीकरण दे रखा है कि ये समय है t आपके पास। आपको पता है कि समय तो क्या रहता है? लगातार बढ़ता रहता है। तो जीरो समय के ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? 3। जब समय कितना होगा? 0, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा बेटा? 3। यदि समय का मान कितना हो जाए? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 और 3 8। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? 8 टेस्ला। यदि समय का मान कितना हो जाए? 2 सेकंड। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, तो B बराबर 23 टेस्ला।
तो अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा नहीं रहा, बदलता गया। जब चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तो हम उसको बोलते हैं परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। आपके पास तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अंदर एक कुंडली रखी गई है, ये कुंडली की त्रिज्या कितनी मान लो बेटा, मैं आर आपके पास मान लेते हैं। तो इस चुंबकीय इस कुंडली का जो फ्लक्स है वो क्या होता रहेगा बेटा, परिवर्तित। क्यों? क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बी। यदि बी आप बदलोगे तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा। चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो हमने बोला फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। और अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा कि किसी भी पृष्ठ या किसी भी कुंडली के सापेक्ष यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होगा बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अर्थात इस कुंडली में अपने आप क्या बनने लगेगी बेटा, धारा बनने लगेगी। अब वो धारा क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसकी व्याख्या मैं अगले लेक्चर में करूंगा जब लेंज का नियम पढ़ाऊंगा। तो एक तरीका क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा बनाने का। सर वो तरीका है कि किसी कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या करो, बदलाव। अगर चुंबकीय क्षेत्र बदल दोगे तो फ्लक्स बदल जाएगा, और फ्लक्स बदलेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। दूसरा तरीका क्या है, क्षेत्रफल परिवर्तित करना। क्षेत्रफल परिवर्तित करना, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस बार चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदलेगा बेटा। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा, बी, नियत कांस्टेंट। ये एक ऐसी कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, आर। त्रिज्या कितनी, आर। अब हम क्या करते हैं, कुंडली को दबाते हैं। जब कुंडली को दबाएंगे तो आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा तो त्रिज्या के मान में क्या आएगी, कमी। कुंडली का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कम होगी तो क्षेत्रफल कम होगा। या फिर मैं बोलूं किसी भी तरीके से मैंने इस कुंडली को फैला दिया, कुंडली को जब ऐसे फैला देंगे तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। अभी दिमाग में ये जोर मत दो कि सर त्रिज्या कैसे कम करो, त्रिज्या कैसे ज्यादा करो। मान लो अगर ऐसा हम कर पाए तो दोनों ही अवस्थाओं में जो क्षेत्रफल है उसके मान में क्या होगी बेटा, परिवर्तन। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल कम होगा यदि त्रिज्या कम हो पाई तो, और अगर त्रिज्या बढ़ पाई तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा आपके पास। दोनों अवस्था में अगर क्षेत्रफल बदलेगा तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। अब क्षेत्रफल बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा, अर्थात फ्लक्स के मान में क्या होगा बेटा, परिवर्तन। अरे फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। और अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो आपको पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से भी हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा के मान की गणना करेंगे। और जो तीसरा तरीका है वो है चुंबकीय क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के मध्य का कोण थीटा में परिवर्तन करके, थीटा में क्या करके, परिवर्तन। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अरे बात सही है, ठीक है। इसमें मैं एक आयताकार कुंडली रख देता हूं, मैं चाहता तो वर्ग भी ले सकता था लेकिन मेरे पास समझाने के लिए एक आयताकार कोई चीज है, इसलिए मैं भी कुंडली कैसी दे रहा हूं बेटा, आयताकार। चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे क्या रख रहा हूं, नियत। क्षेत्रफल भी क्या रख रहा हूं, नियत। अब देखो ये इसका पृष्ठ है तो ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका सदिश क्षेत्रफल कितना होगा, लंबवत बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहां है बेटा, लंबवत अंदर की ओर। सदिश क्षेत्रफल बाहर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे बेटा, अपोजिट। ये मार्कर है सदिश क्षेत्रफल और ये जो मेरा अंगूठा जा रहा है वो बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री। अभी 180 डिग्री है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, अभी कुंडली ऐसे रखी हुई है, अब मैं इसको घुमा दूंगा। जब इसको घुमा दूंगा तो अब चुंबकीय क्षेत्र, अभी इनके मध्य कोण कितना था बेटा, 180 डिग्री। अब ऐसे घुमा दो, जब ऐसे घुमा दोगे तो देखो चुंबकीय क्षेत्र तो इधर ही जाएगा और क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा, तो इनके मध्य का ये कोण कुछ 180 डिग्री से क्या हो जाएगा बेटा,
कम आपके पास, कुछ भी मान लो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो जाए, फिर इसको घुमा के मैंने ऐसे रख दिया, ये ऐसे, तो देखो अंगूठा अभी भी अंदर है लेकिन क्षेत्रफल सदिश इस ओर चला गया, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, क्षेत्रफल सदिश इधर, तो इनके मध्य कोण कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री लंबवत, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अर्थात जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, अपने अक्ष पे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो इसके मध्य का थीटा कोण बदलेगा, और थीटा बदलेगा तो फ्लक्स आपने पढ़ा है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा बदलेगा तो फ्लक्स के मान में क्या होगा परिवर्तन, और आपको पता है फ्लक्स बदलता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न करने के हमारे पास कितने तरीके हैं बेटा, तीन। पहला तरीका चुंबकीय क्षेत्र बदलते रहो, दूसरा तरीका क्षेत्रफल बदलते रहो, और तीसरा तरीका कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते रहो तो उसके मध्य का कोण बदलता रहेगा तो फ्लक्स परिवर्तित होगा जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा क्या होगी बेटा उत्पन्न होगी। एक बार इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देखो बेटा अब तक जितना हमने पढ़ा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर फैराडे ने दो नियम दिए, बहुत फेमस नियम थे, जो फैराडे का एक बना प्रथम नियम, दूसरा कहलाया फैराडे का द्वितीय नियम। अब देखो अगर मूल रूप से अगर बात की जाए तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम दो प्रश्न के उत्तर है, जितना नॉलेज आपको पता है उस नॉलेज से आप एक उत्तर देना, आपके दोनों नियम बन जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होती है, क्या बेटा कैसे उत्पन्न करते हैं हम लोग प्रेरित धारा, अगर इस बात का उत्तर लिखोगे तो वो उत्तर क्या बन जाएगा बेटा प्रथम नियम, तो हम क्या बोलेंगे सर एक कुंडली होगी, क्या होगी एक कुंडली, ठीक है, इस कुंडली के समीप क्या लेके आएंगे चुंबकीय क्षेत्र, जब ये चुंबकीय क्षेत्र या छड़ चुंबक कुंडली की ओर गति करेगा तो इस कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा परिवर्तन, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि यह कुंडली बंद परिपथ में हो तो इसमें क्या बहेगी बेटा प्रेरित धारा, और ये जो बात मैंने अभी आपको बोली ये कहलाता है फैराडे का प्रथम नियम। देखो ये घटना ही समझानी है कि कैसे उत्पन्न होता है, सर उत्पन्न ऐसे होता है, तो देखो क्या लिखा गया सॉरी, जब किसी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन, सही एक बंद परिपथ है और जैसे ही ये छड़ चुंबक इसके समीप या इससे दूर जाती है तो इस बंद परिपथ से जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में क्या होगा परिवर्तन, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि परिपथ क्या हो बंद हो, ये परिपथ कैसा हो बंद हो तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में क्या बनती है बेटा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और यही फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है, सेम एडिटी लैंग्वेज में आपको याद रखना है। अब एक नोट है, जब तक इस कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा, अब वो परिवर्तन चाहे कैसे भी हो, फ्लक्स को बढ़ाते हुए परिवर्तन करो या फ्लक्स को घटाते हुए परिवर्तन करो, फ्लक्स का मान बदलता रहना चाहिए, जब तक इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा इसमें धारा बहती रहेगी, जैसे ही परिवर्तन रुक जाएगा धारा का मान कितना हो जाएगा शून्य, तो परिपथ में धारा तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहेगा, ये तो कौन सा नियम बेटा प्रथम नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, अगर अपने आपसे ये क्वेश्चन पूछो कि इसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल, पानी पी लेता हूं क्या बताता मैं द्वितीय नियम, अगर अपने आपसे एक क्वेश्चन पूछो कि यहां पर क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो ये कितना उत्पन्न हो रहा है कितना, इस बात का अगर आप आंसर देना चाहोगे तो फैराडे का द्वितीय नियम कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये तो फैराडे का क्या है प्रथम नियम का उत्तर है, कितना होगा, तो हमने बोला कि यदि आप
इस छड़ चुंबक को इसके सापेक्ष धीरे धीरे गति कराओगे तो यहां पे जो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा वो कम होगा, अर्थात फ्लक्स के परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी कैसी प्राप्त होगी? कम। क्यों? धीमे गति करा रहे हैं। ये फ्लक्स है और डी बाई डी टी जब भी आ जाए तो वो कहलाती है परिवर्तन की दर। क्या कहलाती है? परिवर्तन की दर। डी बाई डी टी का मतलब होता है परिवर्तन की दर और आपने क्या लिख दिया? फ्लक्स। तो किसके परिवर्तन की दर बेटा? फ्लक्स के परिवर्तन की दर। तो हमने बोला यदि छड़ चुंबक धीमे धीमे जा रही है तो यहां पे जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है वो कम है। यदि इसको तेजी से अंदर बाहर करो इस प्रकार से तेजी से तो यहां पे ये जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी वो क्या होगी? ज्यादा। देखा गया कि जब ये दर कम थी तो विद्युत वाहक बल भी क्या आता है? कम। जब ये दर बढ़ जाती है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर बढ़ जाती है तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी क्या आता है? ज्यादा आता है। तो द्वितीय नियम क्या बन जाएगा कि जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी उतना ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। ये द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? बराबर। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से लिखा जाता है ईएमएफ, डी फाई अपॉन में डीटी, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या है? बराबर है। फ्लक्स भाई, फ्लक्स परिवर्तन की दर डी बाई डी टी के बराबर कौन होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये आपके पास क्या बना बेटा? एक समीकरण। यदि मान लो जिस कुंडली में आप प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कर रहे हो उस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? n। तो फिर यहां पे जो ईएमएफ का मान होगा वो हो जाएगा एन डी फाई अपॉन में क्या बेटा? डी टी। एन क्या बताता है? कुंडली के फेरों की संख्या। ये आपका फेराडे का प्रयोग और फेराडे के दोनों नियम ये पूरे हो गए। इनको ध्यान में रखिए, समझने की कोशिश करिए और अगर मेरे बोलने की स्पीड किसी को ज्यादा लगे तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन आता है जहां पे आप स्पीड को कम कर सकते हो तो इजीली समझ में आ जाएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसे सब्सक्राइब करोगे? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसके पीडीएफ नोट्स मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। थैंक यू बेटा।